नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव, आपके लिए जय श्री राम। राजनीतिक माहौल थम गया है, लेकिन गहमा गहमी कंटिन्यू चल रही है, उथल पुथल बहुत चल रही है। ऊँट किस करमट बैठेगा लोगों को पता नहीं चल रहा है। राजनीति के विषाद पे कुछ लोगों ने अपने मोहरे चल दिए हैं, कुछ लोग मोहरे चलने का इंतज़ार कर रहे हैं। शारीरिक बल की अपेक्षा बौद्धिक बल सदैव श्रेष्ठ रहा है। जहाँ शरीर की शक्ति काम नहीं करती, वहाँ बुद्धि सदैव काम करती है। खटाखट 1 लाख रुपए देने के वादा लोगों को फंसा दिया है। न तो निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो चाल होती है शतरंज में, वजीर की और घोड़े की होती है, ढाई की चाल। कौन सी शिकार करेगी किसी को पता नहीं चलता, और ये चाल चलना सबको आता नहीं। वर्तमान में भारतीय राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह, राजनीति के विषाद पे उनकी चाल चलनी शेष है। वो सबकी चालों को आराम से देख रहे हैं और वो चाल चलेंगे, क्योंकि वो कन्या लगन के हैं। परिपक्व बुध है, मिथुन का बुध बच्चा होता है, उम्र में कच्चा होता है। कन्या का बुध 100% मैच्योर होता है, गलती नहीं करता। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने गड्ढा खोदा, ठीक है ना, जिसे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने ही गड्ढा खोदा भाई। लेकिन अमित शाह आने वाले समय में कौन सी ऐसी चाल चलेंगे जिससे ये जो पलटने वाले लोग हैं, इनकी पलटने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। हमने मोदी जी की कुंडली पे जब वीडियो बनाया था तो कहा था कि मोदी जी को 321 सीट मिलनी चाहिए। मोदी जी को तो नहीं मिली, लेकिन आप मान के चलिए कि देर सवेर NDA वहाँ तक पहुँचेगा। अभी 300 का भी आंकड़ा नहीं छुपाए हैं ये लोग, और आपको लगेगा चुनाव हो चुका है, वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। यही तो चाल है राजनीति के विषाद पे, राजनीति के चाणक्य क्या कहती है, इनकी कुंडली कैसे होगा। आप को अगर वीडियो अच्छा लगता है कंटिन्यू देखिए, नहीं अच्छा लगता आपकी यात्रा मंगल में, बाद में फालतू बकवास नहीं करने का। खटाखट योजना में आप जाइए, वहाँ पैसा बटना शुरू हो गया है, पैसे लीजिए। मजे की बात यह है कि भारत की जनता को कितना बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। 72% खातूनों ने वोट दिया, हूरों ने वोट दिया, और हूर जो है अब पैसा लेने पहुंच रही हैं तो हूरों को लगता है देने वाले तो लापता हैं। मजे की बात यह है। तो 23 अक्टूबर 1964, 5:25 मुंबई महाराष्ट्र, कृतिका नक्षत्र। हम लोगों को जो कुंडली मिलती है या कुंडली नेट से मिलती है, अमित शाह से हमारा कोई इतने संबंध नहीं है कि वो हमें अपनी कुंडली प्रदान करेंगे। इसलिए इसका प्रमाण आप मेरे से बिल्कुल नहीं मांगिएगा, ठीक है, कि आप प्रमाण दीजिए। नेट ही प्रमाण है, गूगल ही प्रमाण है। अगर आप देखना चाहो देखो, नहीं तो राधे राधे। कन्या लग्न की कुंडली है, राशि मेष राशि खत्म करके वृषभ राशि की ओर चंद्रदेव प्रस्थान कर रहे हैं, तो कहीं कहीं मेष भी आपको मिलेगा, कहीं वृषभ मिलेगा, लेकिन वृषभ राशि का प्रभाव जोड़ तोड़ के लिए बेहतर होता है। मेष राशि सीधे बात करती है, तो जोड़ तोड़ में वृषभ राशि ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि बुध सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं। तो लगन का स्वामी बैठे हैं सेकंड हाउस में, बुधादित्य योग में, स्वाति नक्षत्र में। कटिंग करने में महारत हासिल है, किसको कहाँ कट करके चिपका देना है, कॉपी पेस्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इनको बहुत बेहतर पता है। सूर्य नारायण सेकंड हाउस में बैठे हैं, लेकिन सूर्य नारायण चित्रा नक्षत्र में बैलेंस कर देते हैं, कि आप बैलेंस करके निकलेंगे, जाओ। मंगल महाराज जरूर अश्लेषा में हैं, इसलिए इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहता है, स्वास्थ्य खराब रहेगा। राहु दशम में हैं और राहु उच्च के हैं। यहाँ पे राहु जिस नक्षत्र में बैठा है वो सबकी खोज खबर लेता है। आप मेरे घर में क्या चल रहा है छोड़ो, आपके किचन में क्या हो रहा है उसकी भी खोज खबर रखते हैं। यहाँ का राहु सारा नेटवर्किंग क्षमता इनकी मजबूत करके रखता है, बेहतर है। गुरु चंद्र गज केसरी योग में है,
ठीक है, गुरु महाराज स्वतः भाग्य के घर में बैठे हैं, यद्यपि वक्री हैं। वक्री का मतलब होता है काम को एक से अधिक बार करना पड़ता है, सीधा सा मतलब। तो यहाँ चंद्रमा का साथ पाने से ठीक है। शनि महाराज खष्टम में है, शत्रुहंता है, प्रबल शत्रुहंता योग में है, और नक्षत्र जो है धनिष्ठा है, तो जिसको टारगेट कर लिया उसको राधे राधे कर देंगे। तो आने वाले समय में राजनीति के विषाद पे जो चाल चल दी गई है शतरंज की, उसमें इनकी चाल कैसी रहेगी? अभी ये शांति के साथ बैठे हैं, बिल्कुल रिलैक्स मूड में, कोई हल्ला मचा रहा है मचाने जैसे, हम देख रहे हैं। इनकी चाल जो कुंडली कह रही है वो आपको 13 तारीख की बात, हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि ये शांति से बैठे हैं, जो गुप्त रूप से हो सकता है, क्योंकि कन्या लग्न वाले ये चाहते हैं कि वो उनकी चाल को लोग पकड़ ही ना पाए। योजनाएं गुप्त तरीके से बनाते हैं, तो गुप्त तरीके से योजनाएं बन चुकी हैं, बस क्रियान्वित होना बाकी है। फोन सोन लाइजनिंग ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। इसका असर आपको जो दिखाई देगा वो 13 जून के बाद या 14 जून को दिखना शुरू हो जाएगा। जो 293 का आंकड़ा है ना, इमिडिएटली 300 के पार चला जाएगा, और कुछ दिन के बाद ही ठीक है यह आंकड़ा 311 चला जाएगा, और आने वाले वक्त में यह आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी अमित शाह जी की जो चाल है उसकी काट और लोगों के पास नहीं है। विपक्ष भावावेश में आके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गया, और ये जो भावावेश में आके उनके वादे हैं, कोई फटाफट नौकरी बांट रहा है, कोई सटासट कर रहा है, कोई खटाखट पैसे अंदर डाल रहा है, कोई 1 लाख दे रहा है, ये जो वादे हैं ना ये गले की फांस बनेंगे, जो आप जनता को, कितनी जनता सरल है कि उसको पता नहीं है कि कहाँ से आएगा, बस लोग अपना गारंटी कार्ड लेके पहुँच रहे हैं, भैया ये दिया है आपने दे दो, तो ये विपक्ष के लिए फांस बनेगा। और अभी अमित शाह जी की कुंडली जो कह रही है संभाल ले जाएंगे परिस्थितियों को। एक और मज़े की बात बताऊं आपको, हालांकि यह अभी नहीं हो रहा, लेकिन 2025 में कुछ ऐसी स्थितियां नरेंद्र मोदी की कुंडली में बनेंगी, अमित शाह की कुंडली में, भारत की कुंडली में, मई के बाद क्या भारत मध्यावधि चुनाव में जा सकता है क्या? हमारे जैसे, हालांकि हम लोग तो बहुत छोटे हैं, छोटे मस्तिष्क हैं, लेकिन एक सुझाव आपको बताऊँ, अगर ये बोलें कि ठीक है मुझे पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, एनडी वालों को दे दें, आओ तुम सरकार बनाओ, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 22 प्रधानमंत्री बनेंगे भाई, इतनी खींचतान होगी, इतनी सुरफुटावल होगी, 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी, और 6 महीने में खूब लूट खसोट होगी, और फिर राष्ट्रपति शासन लगा के फिर मध्यावधि चुनाव में चले जाओ, और फिर जनता को बताओ कि आपने क्या किया, उसका परिणाम क्या मिला, जो विकास की गति है वो कैसे अवरुद्ध हो गई। हालांकि यह एक रिस्क है, क्योंकि जो लोग 10 साल से निरंतर सींच रहे हैं वो नहीं चाहेंगे कि पौधे मुरझाएं, विकास की गति बंद हो, इंटरनेशनल स्तर पे जो छवि बनी है वो धूमिल हो, जो सीमा पे काम चल रहा है वो बाधित हो, ठीक। तो नहीं तो एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप उन्हीं के पाले में गेंद डाल दो, लो आओ सरकार बना लो। आप सोचिए, जब 150 सांसद होने के बावजूद मनमोहन सिंह जी के द्वितीय कार्यकाल में ये दुर्दशा हुई, कितने घोटाले हुए, तो इनके तो 99 हैं, 100 भी नहीं हैं, कितने सिर्फ टॉबल होंगे, सब लोग प्रधानमंत्री के अलावा कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिलेगा, सब अपने अपने मलाईदार हमें दे दो सब लोग। तो एक ये परिस्थिति बनती है, पता नहीं इस पे भी लोग विचार कर रहे हैं कि नहीं, रिस्क तो है लेकिन, और अगर ये गठबंधन की सरकार पूरा 5 साल चलती है ना, वो छवि धूमिल हो जाएगी जो छवि नरेंद्र मोदी की थी। तो यह एक ज्योतिषीय विश्लेषण है। अमित शाह जी आने वाले समय में एनडीए का कुनबा निश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं, लेकिन 2025 में कुछ ऐसी स्थितियाँ केतु के कार्यकाल में बनेंगी, केतु कन्या लगन में ठीक फल नहीं देते। मोदी जी के जब गुरु आर्द्रा में जाएंगे तब भी परिणाम कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, शेष देखते हैं क्या होता है आपके लिए।
राष्ट्र प्रथम दिन के लिए है उनके लिए यह वीडियो है, जो जिंदा है उनके लिए वीडियो है, जो मृत हैं उनके लिए वीडियो नहीं है।